हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, मेरा नाम चेतना वर्मा है और आज की इस वीडियो में मैं आपका एक नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, जो कि आपके MPS 04 का ही जो है ये यूनिट 17 है, समुदाय पहचान की राजनीति। इसमें समुदाय पहचान जो है, समुदाय हैं वो अपनी पहचान के लिए किस प्रकार से राजनीति में जो है अपनी जगह बनाने के लिए काम करते हैं, अपने समुदाय को महत्व देना चाहते हैं, इसके बारे में आपको पूरे चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर मैंने इसमें कवर किया है। इस वीडियो में आप जो है वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको पूरा चैप्टर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसके इंपॉर्टेंस चीज़ें जो आपसे पूछी जाएंगी, वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए काफ़ी जो है इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करी है। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और यहाँ पे इसमें जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, वो सभी चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर करवाई जाएगी। MPS 04 के आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सभी मैं जो है अपने चैनल पर डालती रहूँगी, और MA के आपके पूरे कोर्स के सभी चैप्टर्स, मतलब जितनी भी बुक्स हैं आपके, सभी कवर यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ अगर जुड़े रहते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी और आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। पहले आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समुदाय पहचान की राजनीति। तो समुदाय पहचान की राजनीति आपका चैप्टर नेम है, और समुदाय पहचान क्या होता है, इसमें समुदाय कौन होते हैं, इसके बारे में पहले जान लें। तो समुदाय की पहचान की परिभाषा एफ संरचना में, समुदाय पहचान क्या है या फिर समुदाय क्या है, तो थॉमस मैंडर जो है इन्होंने अपनी परिभाषा दी है समुदाय को लेकर। समुदाय सीमित व्यक्ति को सम्मिलित करता है। समुदाय क्या है, सीमित व्यक्तियों को जो सम्मिलित करता है, यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति जो समाज में जो है एक सीमित जगह पर है, या फिर उनकी एक सीमित जो है संस्कृति है। ऐसे जो समूह होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अपना एक समूह बना लेते हैं, जिन्हें हम समुदाय कहते हैं। तो थॉमस मैंडर बताते हैं कि समुदाय सीमित व्यक्तियों को सम्मिलित करता है सीमित सामाजिक क्षेत्रीय नेटवर्क में, और जो आपस में साथी समाज एवं नैतिक पुत्रों के आधार पर एक साथ संगठित है। समुदाय में हम लोग जैसी अवधारणाएं होती हैं। यहाँ पे इसके हिसाब से मैं आपको जो है इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि समुदाय जो होते हैं, एक अलग ही व्यक्ति, यानी कि हमारे समाज से जो अलग संस्कृति होती है या फिर अलग भाषा के जो लोग हैं, उनका एक अलग समुदाय यहाँ पे बना होता है, और वो समुदाय जो है अपनी पहचान के लिए यहाँ पे मांग करता है। तो इसको जो अपनी पहचान के लिए मांग करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं समुदाय पहचान। इसका एक अपना एक सीमित क्षेत्र होता है, एक सीमित व्यक्ति होते हैं, जो भी उसके वंश के अनुसार, जो उनके जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, जो भी उनके उनके समाज में या फिर उनके फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो सब अपना एक अलग समुदाय बना के रहते हैं, हमारे समाज से अलग रहते हैं, और ये अपनी पहचान के लिए जो है हमारे समाज से लड़ते हैं। तो इस तरह के समुदाय को ही हम कहते हैं समुदाय पहचान के मुद्दे, या फिर समुदाय पहचान की राजनीति, क्योंकि हमारे राज्य में अपनी पहचान के लिए, अपनी राजनीति बनाने के लिए, अपने कानून नियम निर्धारित करने के लिए कार्य करते हैं। समुदाय की पहचान की संरचना, मतलब इनकी संरचना जो है किस प्रकार है। समुदाय यहाँ पे क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, यानी कि समुदाय जो एक सीमित व्यक्ति होते हैं, अपना एक अलग समूह होता है उनका, अपनी अलग संस्कृति को महत्व देना चाहते हैं, राजनीति उसके लिए वो करते हैं, तो वो कहलाते हैं समुदाय पहचान। अब ये इनकी संरचना कैसी है। समुदाय अपनी पहचान का निर्माण क्षेत्रीय स्थान, साझी ऐतिहासिक स्मृतियाँ, पहचान, परंपरा, सामान्य धार्मिक अनुष्ठान और प्रक्रिया, तथा सामान्य भाषा तथा वास्तविकता या माना गया सामान्य वर्ग के आधार पर करते हैं। मतलब कि ये जो समुदाय होते हैं, समुदाय की पहचान की संरचना कैसी होती है, ये अपने जो है ऐतिहासिक स्मृतियों के आधार पर और परम्परा के आधार पर और धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं उनके आधार पर अपने एक अलग समूह यहाँ पे ये बना लेते हैं। यानी कि इनके ऐतिहासिक समृद्धियाँ क्या थी, या फिर यानी कि शुरू से जो इनकी पीढ़ी थी वो क्या चीज़ें अपनाती थी, इनकी परंपरा क्या थी, शुरू से क्या अपना रहे थे, और इनके अगर अलग ही धार्मिक अनुष्ठान है, यानी कि इनके कुछ भी कल्चर इनका अलग है, या फिर ये अलग धर्म को मानते हैं, अलग देवी देवताओं को मानते हैं, तो इस तरह के समूह जो हैं अपना ही एक अलग समूह बनाते हैं, और उन्हीं कल्चर को वो कंटिन्यू रखने के लिए जो है राजनीति करते हैं। यहाँ पे राज्यों को मांग करते हैं कि हमारा जो कल्चर है उसको भी हमें अपनाने देना चाहिए, और उसी के आधार पर जो है इनका समूह बनता है।
यानी कि इनकी जो ऐतिहासिक स्मृतियाँ होगी, जो इनकी परंपरा होगी, या फिर जो भी धार्मिक अनुष्ठानों में ये विश्वास रखते होंगे, उन सबको जो है ये अपना अलग मानेंगे। तो इस प्रकार को हम कहते हैं समुदाय। इनके लक्षण क्या होते हैं, यहाँ पे जो है समुदाय को ही और डीपली जानने के लिए आप पूरे जो है पूरे एंड तक देखेंगे तो यहाँ पे पूरा समुदाय क्या होते हैं और ये किस प्रकार से राजनीति में एक राज्य में अपना समूह बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए किस प्रकार से लड़ते हैं, इसके ऊपर ही जो है राजनीति करते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे समुदाय के लक्षण जान के हम जो है इसको और डीपली जानेंगे। कुछ समुदाय पहचान, जाति, वंश, जाति, धार्मिक या कबीले कारकों पर आधारित होते हैं, यानी कि जैसे हम देखते हैं कबीले और कुछ अलग पहचान के लोग होते हैं, अलग जाति के लोग होते हैं जो हमारे समाज से अलग होते हैं, इनको हम जो है समुदाय कहते हैं। और इनमें अगर हमें इसका हिस्सा बनना भी है तो इसमें हमें इन्हीं जातियों में जन्म लेना पड़ता है, वही जो है समुदाय का हिस्सा बन सकता है। यानी कि हम जैसे आम लोग हैं, ये हम अगर इन जातियों के साथ बात करते हैं या फिर इनके साथ जाकर मिलते हैं तो हम इसके सदस्य नहीं कहलाते हैं। इसमें अलग से अगर इन जातियों में अगर तुम हमारा जो है कल्चर इन्हीं की तरह है या फिर इनमें हमने जो है जन्म लिया है तभी जाके हम जो है इन समुदाय के हिस्सा बन पाते हैं। ये हमारे जो है जैसे हम भारत में सारे हिंदू लोग रह रहे हैं, अपने अलग धर्म को अपनाते हैं फिर भी जो है सारे समूह बन के रहते हैं हम लोग, पर इनका जो समूह है इनका अगर हमें सदस्यता चाहिए इनकी तो इसके लिए हमें इसी समुदाय में जो है जन्म लेना पड़ेगा। इसके अलावा इन समुदाय में पहचान सामूहिक चेतना और संपर्क से बनती है, वे अन्य समुदाय उसे दूरी और अलगाव रखते हैं। मतलब कि ये जो समुदाय होते हैं इनकी अलग एक अपनी जो है मांगें होती हैं, अलग चेतना होती है और इनका पूरा एक अलग संपर्क होता है अपना, कि हमारी जाति के जितने भी लोग होंगे उनसे हम अपना संपर्क बनाएंगे और दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उनसे अलग होकर रहेंगे। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, इस प्रकार के अगर लक्षण हमें किसी समुदाय में देखे जाते हैं तो ये जो है अलग जाति कहलाएंगे या फिर समुदाय कहलाएंगे। कुछ समुदाय में सदस्य होना व्यक्तिगत निर्णय और चयन के आधार द्वारा होता है, पर कुछ समुदाय यहाँ पे ऐसे भी होते हैं कि वो तय करेंगे, उनके जो भी प्रधान होंगे जैसे हमारे नेता होते हैं, इनमें भी कोई एक होता है जो कि तय करता है कि कौन हमारा सदस्य बनेगा और जो है उनके चयन के आधार पर ही उन समुदाय में सदस्य चुने जाते हैं। तो समुदाय के लक्षण यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये लिखने हैं, और यहाँ पे मैंने आपको तीन ही लक्षण बताए हैं और इसको भी आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। पर अगर आपको उसकी और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नोट्स भी हमसे ले सकते हैं, उसमें फुल एक्सप्लेनेशन आपको दी होगी, जितने भी पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में वो सब उसमें लिखे होंगे। तो समुदाय के पहचान के लक्षण ये आपको याद रखना है। विशिष्ट चेतना के कारण तथा समुदायों में संघर्ष, अब ये किस प्रकार से हमारे राज्य में जो है संघर्ष करते हैं हम अपना समुदाय बनाने के लिए या अपने धर्म को जो है पहचान दिलवाने के लिए। तो धार्मिक आंदोलनों की भूमिका यहाँ पे जो है इनके चेतना के कारण बताए गए हैं कि किस प्रकार से जो है अपना समुदाय के चाहते हैं कि हमें अलग महत्व दिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला कारण इसका होता है धार्मिक आंदोलनों की भूमिका, यानी कि जो 18-19 सेंचुरी थी 18वीं-19वीं शताब्दी में यहाँ पे जो है कुछ धार्मिक आंदोलन देखने को मिले थे। यानी कि पहले क्या होता था 18वीं-19वीं शताब्दी में जो भी चर्च होते थे उनके चर्च के जो पादरी होते थे वो हमें अपना कल्चर अपनाने के लिए बाधित करते थे, यानी कि हमें जो है क्रिश्चियन जो कल्चर है उसको अपनाना चाहिए और जो है यही सबसे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे माना जाता था और इसी को जो है हर जाति का कोई भी जाति का लोग है उसका अलग धर्म है उन सबको यहाँ पे जोर दिया जाता था कि वो क्रिश्चियन को ही अपनाएं, क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म है उसको ही अपनाएं। तो इसकी वजह से जो अलग जाति के लोग थे उन्होंने यहाँ पे अपना इसका जो है एक खतरा समझा अपने धर्म को, ये सोचते थे कि ईसाई धर्म को अगर हम अपना लेंगे तो हमारी जो संस्कृति है वो खो जाएगी, और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो है धार्मिक आंदोलन कुछ किए। तो यहाँ पे धार्मिक आंदोलन जो था जो ईसाई धर्म को अपनाने के लिए लोगों को बाधित किया जा रहा था ये सबसे प्रमुख कारण बना समुदाय के बनने के लिए, यानी कि समुदाय जो है इनसे अलग हो गए, हम एक अपना अलग समुदाय बनाएंगे और इन धार्मिक जो आंदोलन हो रहे हैं जो ईसाई धर्म को बनाने के लिए हमें बाधित किया जा रहा है इसको हम नहीं अपनाएं। दूसरा कारण जो यहाँ पे माना जाता है उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक उपनिवेशवाद जो थे, यानी कि जब ये भी 18-19 सेंचुरी में आए थे
यहाँ पे जो उद्योग खोले गए थे जब हमारे भारत में, तो बहुत सारे देश ऐसे थे जो काफ़ी इनसे फ़ायदा हो रहा था, उपनिवेश कर लिया था उन्होंने हमारे देश पे जब विभिन्न उद्योग खोले गए, और जो श्रमिक वर्ग था यहाँ पे वो असहाय हो गया था। तो इसका जो है मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ये आप देख सकते हैं। और उपनिवेशवाद में उन्होंने मतलब दूसरे देश ने हमारे देश पे कब्ज़ा कर लिया था। हमारा देश जो है एक अनडेवलप्ड कंट्री था, और वो जो डेवलप्ड कंट्री होती थी हमारे देश पे उपनिवेश कर लेती थी। तो इस प्रकार से जो हमारे देश में छोटी जातियाँ होती थी उनको यहाँ पर महत्व नहीं मिल पाता, और इसीलिए इन समूहों ने क्या किया कि हम अपनी एक अलग जाति बना के रहेंगे ताकि कोई भी हम पे उपनिवेश नहीं कर पाए, और उन्होंने अपना एक अलग समुदाय यहाँ पर बना लिया। तो उपनिवेशवाद भी जो है इसका एक कारण माना जाता है। इसकी नोटिंग मैंने स्टूडेंट यहाँ पे कर रखी है, आपको जो है आपके नोट्स के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा, तो इसलिए आप पढ़ के भी जो है इसको लर्न कर सकते। इसके अलावा आत्मसात तथा समाजीकरण का है। आत्मसातकरण क्या होता है, यानी कि कोई भी देश को अपने ही संस्कृति में, कोई भी एक समूह है अलग भाषा का है उसको हम अपनी ही संस्कृति में अगर मिला लेते हैं तो उसे हम कहते हैं आत्मसातकरण। तो आत्मसातकरण का बहता इन समूहों को कि कोई भी जाति, कोई बड़ी जाति है और उसकी संख्या ज़्यादा है तो उसे वो हमारी धर्म को जो है खो देगी और अपने में हमें मिलाने को कहेगी। इसलिए ये समुदाय क्या करते हैं, अपने एक अलग जाति बना के रहते हैं ताकि कोई और जाति जो है इनको बाधित ना कर पाए अपनी जातियों को, अपने धर्म को अपनाने के लिए। तो इस कारण भी, आत्मसातकरण के भय के कारण भी इन्होंने जो है अपना एक अलग समूह बनाया। इसके अलावा सीमांतीकरण का भय। सीमांतीकरण का मतलब यहाँ पर होता है कि अगर सीमा से किसी को हटा दिया जाए या किसी को किनारा कर दिया जाए, तो यहाँ पे इनको जो है ये भय था इन समुदायों को कि हमें जो है अपने धर्मों से, अपनी जातियों से हटा दिया जाएगा और अपनी जो समाज है हमारा उससे हमें किनारा कर दिया जाएगा। तो इसलिए इन्होंने जो है अपना अलग समूह बनाया ताकि हमें जो है हमारे धर्म को, जो हमारा कल्चर शुरू से चलता आ रहा है उसको यहाँ पर हमें खो ना दे हम, इसलिए इन्होंने अपना एक अलग समुदाय बना के हमारे समाज में रहने लगे। इसके अलावा शाक्षेप वंचन तथा भेदभाव की अनुभूति। भेदभाव की अनुभूति यानी कि कुछ देश जो है होते हैं ऐसे समूहों को जो कि हमारे समाज में ऐसी जातियाँ हैं जिनकी जो है कम संख्या है उनकी जातियों की, तो उनको इतना महत्व नहीं देते हैं हम लोग, भेदभाव करते हैं उनके साथ और उन्हें जो है अपने जो हमारे राज्य की भाषा है उसी को बोलने के लिए और अपना कल्चर अपनाने के लिए हम उन्हें महत्व देते हैं, उन्हें जो है यहाँ पर बाधित भी किया जाता है। तो इस प्रकार से इन समुदायों को ये डर रहता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जाएगा और हमें जो है कोई भी राज्य अपने ही धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा, तो इसलिए हम अपना एक अलग समुदाय बना के रहेंगे, अपनी एक अलग पहचान की मांग करेंगे, और यहाँ पे इसीलिए ये कारण बनता है उनका एक अलग समुदाय बनाने का। तो यहाँ पे विशिष्ट चेतना के क्या कारण थे, ये आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन इस पर बनता है। अब समुदाय द्वारा अपनाने गए तरीके व रणनीतियाँ हम जानेंगे, यानी कि ये जो समुदाय अलग बनकर रहे हैं इन्होंने क्या तरीके अपनाए हैं, क्या रणनीतियाँ यहाँ पे जो है अपनाई हैं ताकि राज्य जो है हमें महत्व दे या इनके समुदाय को जो है एक अलग महत्व यहाँ पे दिया जाए। तो इसके सांस्कृतिक प्रतिरोध यहाँ पे कुछ किए गए हैं और कुछ जो है संघर्ष किए गए हैं। तो सांस्कृतिक प्रतिरोध जो है इसमें सबसे पहला है प्रतीकात्मक कार्य। प्रतीकात्मक कार्य सार्वजनिक क्षेत्रों पर अत्याचारी शासन के नियंत्रण को तोड़ना है। ऐसे कार्य गली मोहल्ले में किए जाते हैं और सभी दर्शकों को संबोधित किया जाता है। तो ये जो संस्कृतियाँ होती हैं, जो अलग समुदाय होते हैं, ये सबसे पहला इन्होंने क्या कार्य अपनाया है, प्रतीकात्मक कार्य। इसके द्वारा जो है ये जैसे छोटे गली मोहल्ले जो होते हैं उसमें अपना प्रचार करते हैं ताकि राज्य जो है हमें महत्व दे, इसलिए जो है प्रतीकात्मक कार्य ये करते हैं। इसके अलावा हस्तक्षेप कार्य, यानी कि किसी भी राजनीति में, किसी भी राज्य में विरोध करना किसी भी चीज़ का, इन्हें अगर इनकी जाति को महत्व नहीं दिया जा रहा है या राज्य द्वारा कुछ भी अलग से नीतियाँ बनाई जा रही है तो उसमें ये हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए कुछ हस्तक्षेप कार्य करके भी ये राज्यों को बताते हैं कि हमें जो है हर राज्य में हमें एक अलग समुदाय चाहिए। पूर्ण एकता के लिए ये कार्य करते हैं, यानी कि हमें जो है एकता, हमारे पूरे समुदाय में एकता हो इसके लिए ये कार्य करते हैं। और राज्य में इस तरह के कैसे कार्य होते हैं, समुदाय के अभिजात वर्ग द्वारा पूर्ण एकता के लिए तैयारी की जाती है, सभी समुदाय को
संगठित कर समुदाय के मामलों में जन सहभागिता की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पे जो है ये सभी को जो है प्रेरित करते हैं कि हमारी एक अलग भाषा है, हमारा एक अलग कल्चर है, और इसके लिए जो है ये जन सहभागिता इकट्ठे करते हैं, यानी कि हम सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। राज्य को हम प्रेरित करेंगे मिलकर कि हमें जो है महत्व दिया जाए, इसलिए पूर्ण एकता के लिए ही कार्य करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, उसकी नोटिंग भी यहाँ पे मैंने आपको दी हुई है जो कि आपको नोट्स में दी जाती है, तो ये नोटिंग भी आप जो है पढ़ के आप लर्न कर सकते हैं, और आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा अगर ये पूछा जाता है। इसी तरह आप लिख सकते हैं सशस्त्र संघर्ष, निर्धारित लक्ष्य पर आक्रमण, यानी कि सशस्त्र संघर्ष, इन्होंने जो है कुछ सशस्त्र संघर्ष भी अपनाए हैं, यानी कि हथियारों के द्वारा या फिर युद्धों के द्वारा जो अपनी समुदायों को पहचान दिलवाने के लिए इन्होंने क्या कार्य किए, तो हिंसात्मक कार्य जिसे हम कह सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला इन्होंने कार्य जो अपनाया है निर्धारित लक्ष्यों पर आक्रमण। ये आक्रमण का सबसे सामान्य विकल्प है जो अधिकतर छोटे समुदाय द्वारा किया जाता है, जैसे बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों में बम्बों को फेंकना, यानी कि ऐसे हम कई देखते हैं कई लोग जो है हवाई जहाज में, बसों, ट्रेन में जो है बम फेंक देते हैं या उन पर जो है कब्जा कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं। तो इस तरह के जो समूह होते हैं अपनी पहचान को जो है महत्व दिलवाने के लिए ये कार्य करते हैं। इसके अलावा पूर्ण युद्ध, युद्ध द्वारा भी जो है ये अपने राज्य को बताते हैं कि हमारे समुदायों को महत्व दिया जाए। युद्ध द्वारा कैसे करते हैं, यानी कि इन्हें एक तो इन्हें जो है विदेशों द्वारा भी इन्हें मदद मिलती है, यानी कि कुछ समुदाय ऐसे हैं जो समुद्र के पास रह रहे होते हैं या फिर हमारे राज्य से थोड़ा अलग रह रहे होते हैं, तो ऐसे समूहों को जानबूझ के जो है कई राज्य क्या करते हैं, इन्हें प्रेरित करते हैं ताकि वो अपने राज्य में उनका जो है ना बने उनसे और उनसे लड़ाई हो जाए, इसलिए वो जो है इनको हथियार भी देते हैं विदेश, इन्हें प्रेरित भी करते हैं और इनको जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है किस प्रकार से ये अपने लिए जो है संघर्ष कर सकते हैं अपने ही राज्य में, इसलिए पूर्ण युद्ध की यहाँ पे जो है स्थिति बन जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें पूछे जाते हैं ऐड करे हैं, पूरा चैप्टर आपका कवर हुआ हुआ है यहाँ पे, नोटिंग भी आपको मिली हुई है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको जो है हर चैप्टर्स के लिए आपके पूरे कोर्स के लिए एमए का जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें आपके सभी चैप्टर्स, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो है क्लियर करवाए जाएंगे, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन पूरी करवाई जाएगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आप जो है हमें व्हाट्सएप पर डीएम करके ले सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर डीएम करके या कॉल करके आप जो है ऑनलाइन क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो भी आप उनसे ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट में अपना रिव्यू भी दे सकते हैं, और कमेंट में आप जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको कोई चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।